आज सुबह का अखबार तो आप सबने पढ़ा होगा और मुख्य अखबारों में इस तरीके की बड़े बड़े इश्तेहार आए हैं जिसमें ये बात बताई गई है कि कैसे आपको जो व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं उनकी जांच की जाए। 10 इसमें बातें दी गई हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये कि फॉरवर्डेड मैसेज पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें, उसमें जो इमेजेस है उनकी जांच करें। साथ में उसमें ये भी बताया गया है कि जो लिंक है उसको बेवजह फॉरवर्ड ना कर दे, पहले उसकी जांच करें। और सबसे आखिरी में इसमें जो बात बताई गई है वो ये कि झूठी खबरें ऐसी ही फैलती है। तो क्या आपको ये बात नहीं पता थी? और सवाल ये कि क्या इस तरीके के इश्तेहार से झूठी खबरें फैलना बंद हो जाएंगी? अब सवाल यह है कि आखिर ये विज्ञापन जारी किसने किया, कहीं ये भी फेक तो नहीं? कलर स्कीम को देखकर तो ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ने इस विज्ञापन को जारी किया होगा, लेकिन ना ऊपर ना नीचे कहीं भी व्हाट्सएप का जिक्र तक नहीं है। साथ ही इसके अंत में एक लाइन लिखी गई है कि हम सबको, टेक कंपनियों को, सरकार को और NGOs को साथ मिलकर काम करना होगा, तो हम सब इसमें है कौन? साथ में ऊपर एक लाइन लिखी गई है कि इस हफ्ते से हम आपके लिए एक नई विशेषता लेकर आ रहे हैं। कौन सी विशेषता लेकर आ रहे हैं, कब से लेकर आ रहे हैं और क्या होगी वो विशेषता, इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या इस विज्ञापन पर भी हम आंख मूंद कर भरोसा कर लें? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो अब भी वही है कि जब आपको फेक न्यूज़ या फिर गलत जानकारी आपके व्हाट्सएप पर आए तो आप उसको रिपोर्ट कहाँ करें? इस विज्ञापन में भी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ एक लाइन लिख दी गई है जिसमें कहा गया है कि ऐसी जानकारी को आप रिपोर्ट करें। ना कोई फ़ोन नंबर है, ना कोई टोल फ्री नंबर है और ना ही कोई ईमेल एड्रेस है, यानी कि समस्या वहीं की वहीं। तो देखने में तो ये लगता है कि इस विज्ञापन भर से बहुत कुछ नहीं होने वाला फेक न्यूज़ या फिर गलत जानकारी को रोकने के लिए। हम सबको मिलकर इससे कहीं ज़्यादा पहल करनी पड़ेगी।